नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर प्रदेश कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित सरकारी विभाग समूह 6 के पदों पर नियुक्ति संविदा पर विनियमितकरण नियमावली के प्रस्ताव को मंजूर न किए जाने के संबंध में मिले जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। संविदा पर नियुक्त और संविदा आधारित मानदेय प्रतियोगी अभ्यर्थियों की उन तमाम आशा को कलम साबित होगा जिसे उसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए देखा है। 5 वर्षीय संविदा अवधि भ्रष्टाचार और उगाही को प्रेरित करेगी। संविदा कर्मी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भी बाधा उत्पन्न करेगी। छात्र मौजूद रहे धीरज शर्मा, आयुष सैनी, आकाश कश्यप, शुभम गुप्ता, प्रयास कुमार, नवाज सिंह, सुमित कुमार, पप्पू कुमार। कैमरामैन फरमान खान के साथ परविंदर सिंह की खास रिपोर्ट। मेरा नाम रजत शर्मा है। क्या मामला है? जो मामला ये है कि एक और तो इतना कठिनाई का समय चला हुआ है, सरकार कोई रोजगार देने के पक्ष में नहीं है। हम उस चीज़ को लेकर भी आश्वस्त थे, हमें लगता था कि महामारी जाएगी, हमारे लिए रोजगार आएगा, लेकिन समय इतना विपरीत हुआ कि सरकार इस प्रकार की नीतियाँ बना रही है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो सालों साल अपने घर छोड़कर तैयारी करने के लिए यहाँ बाहर रह करके तैयारी करते हैं, अपनी तैयारियों के साथ एग्जाम में जाते हैं, तैयारी करने के बाद भी हमें संविदा पर नियुक्त करने की जो तैयारी है उसका हम पूर्ण रूपेण विरोध करते हैं और उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो हम सड़कों पर आकर अपना आंदोलन करेंगे। हमारी सरकार से विनम्र यही निवेदन है कि सरकार हमारी बात को सुनते हुए इस प्रकार के फैसले को वापस ले और संविदा पर नियुक्ति ये हमारा शोषण होगा, ये हम सबका शोषण होगा। हम पूरी प्रतियोगिता पास करके अपनी योग्यता दिखाने के बाद यहाँ पर आते हैं, एक अच्छी सी नौकरी के लिए अपनी तैयारी करके आते हैं और तैयारी करने के बाद में हमें कहा जाएगा कि आप संविदा के लिए यहाँ पर आए हैं, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्तनीय हमारे छात्रों को नहीं है, प्रतियोगी छात्रों को नहीं है। सालों साल हम अपना घर छोड़कर इस प्रकार की तैयारियां करके कई कई मेरिट लिस्टों में अपने नाम लेकर के आए हैं, हमें एग्जाम पास करने के बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ज्वाइनिंग देने की बात आए तो मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सालों साल लटका रहता है और अब बात यहीं तक नहीं रुकी है। अब सरकार इस प्रकार की नीतियां बना रही है कि प्रतियोगी छात्रों का हनन इस तरीके से कर दिया जाए कि आने वाले समय में जो एक पढ़ने वाला छात्र है वो पढ़ने के लिए सोचे ही नहीं। तो यही हमारा मुद्दा है। धन्यवाद।